7 एक्शन। हे गाइस, गुड मो गुड नाइट, क्योंकि अभी रात हो रही है। हाँ, तो हे गाइस गुड नाइट, तो फिर बाय, गुड नाइट बोल दी, सो जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हे गाइस गुड, क्या बोलूं, जाने दो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। और आज मैं व्लॉग रात में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मैंने इसलिए नहीं करा, क्यों नहीं करा पता नहीं, पर रात में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी फेवरेट राजस्थान की फेमस और मेरी फेवरेट दाल बाटी चूरमा बनाया भाई, दाल बाटी चूरमा। तो पहले हम दाल बाटी चूरमा और वो भी चूल्हे पे बनाए, तो आपको बताते हैं। तो गाइस, ये हमारी बाटी है और ये चूल्हा है और चूरमा अंदर है। यहाँ पे बनेगी दाल और यहाँ पे है ये बाटी, चूरमा है अंदर। बाटी कूटने के बाद ये ऐसे बन गया चूरमा, तो ये बन गए दाल और बाटी और चूरमा। तो ये आ चुकी है हमारी दाल बाटी चूरमा, ये दाल, ये दाल, ये बाटी और ये चूरमा। है गाइस गुड मॉर्निंग, और रात को दाल बाटी खा के मैं सो गया था, फिर उसके बाद सो गया था क्योंकि दाल बाटी एक नींद का नशा है, तो व्लॉग स्टार्ट करने ही भूल गया था। तो अभी चलते हैं हमारे मिनी खेत में। ये सब लग चुकी है, तो हमारी काकड़ी ककड़ी ककड़ी आने लग चुकी है हमारी। और यहाँ पे तरबूज, तरबूज, ये हमारे तरबूज तरबूजा नहीं आ चुके हैं, इसमें सिर्फ फूल फूल ये देख सकते हो, ये ओ तरबूज छोटा छोटे छोटे तरबूज और कुछ फूल आ चुके हैं। और अभी आ चुके हैं हम छत पर और पीछे हो रही है टंकी साफ। टंकी हो चुकी है काफी गंदी, उसको कर रहे हैं अभी साफ। तो हमारे पास एक है कैरी जो बन चुकी है साग पक्का, अब खाते हैं इसे पक्का। देखो ये नारा में मतलब पक्का है, तो गाइस बहुत खट्टा है। तो आज टंकी साफ करी तो नहाने में काफी लेट हो चुके हैं क्योंकि बज चुकी है 11। तो अभी फिलहाल नहाते फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देगा।